कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है और इस जंग में दवाइयों के साथ साथ खान पान का भी विशेष महत्व है। कोरोना मरीज सहित तमाम लोगों को कैसा खान पान रखना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, कब किस समय खाना खाना चाहिए, इन तमाम मामले में बात करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन सुमन सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि कोरोना संक्रमित मरीज किन बातों का ध्यान रखें, कैसा आहार लें और इसके साथ जो लोग संक्रमित नहीं भी हैं वो कैसा उनको डाइट लेना चाहिए। सुमन जी, स्वागत है टीवी भारत में आपका। ये बताइए सबसे पहले कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं या जो संक्रमित नहीं हुए हैं उनको कैसी डाइट लेना चाहिए, डाइट का समय क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये बताइए। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक ये बात पहुँचे कि आप घबराएं नहीं, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। सबसे पहले हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें ऐसी क्या चीज़ मिली है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं? मतलब सब कहते हैं सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, तो सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है? हमारे पास बहुत अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम है जो हमारे बॉडी को बूस्ट करती है। कैसे करती है? अगर हम अच्छा खान पान रखें, अगर हम अच्छा योगा एक्सरसाइज करें, हम अच्छे वातावरण पे रहें, थोड़ा सा अपने घर के पास टेरेस है या बाहर गार्डन है तो थोड़ा सा समय वहाँ बिताएं, लेकिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अभी तक जो मरीज देखा या जो मैंने डाइट प्रिस्क्राइब किया उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा जो बात मुझे अच्छी लगती है, एनर्जी डेंस फूड दीजिए। प्रोटीन विटामिन सी तो ठीक है, लेकिन एनर्जी डेंस फूड दीजिए जो एनर्जी हमारे ब्रेन तक जाए, क्योंकि हमें ब्रेन से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेन से स्वस्थ होने के लिए हमें ऐसे फूड लेने चाहिए, जैसे हम सोक्ड बादाम ले सकते हैं मॉर्निंग में, और अखरोट ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। उसके अलावा हम अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। अब हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, कम खाएं और अच्छा खाएं। जो गुड प्रोटीन है हम उसे अपने डाइट पे शामिल करें। जैसे अगर हम वेज पे जाते हैं तो दूध, पनीर, घी, छाछ, ये सब हम अपने प्रोटीन पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली, ये सब हाई प्रोटीन डाइट है जो हमें अपने डाइट पे इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट, हम जो हमारा कर्ड है वो बहुत अच्छा काम करता है बॉडी पे, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। लेकिन अब वो आप बहुत ज़्यादा खट्टा दही लेते हैं या बहुत दिनों का रखा हुआ दही लेंगे तो ज़रूर आपको इफ़ेक्ट करेगी कि हमारे थ्रोट में पेन हो रहा है, हमें ये चीज़ सूट नहीं कर रहा है। लेकिन आप ताज़ा दही खाएंगे और बिना मलाई का दही खाएंगे तो वो कभी भी हार्मफुल नहीं होता, वो एक प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास अब हम घर पे बैठे हैं और क्या है कि खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जैसे हम दलिया ले सकते हैं। हमें अपने डाइट पे अधिक से अधिक ये ध्यान देना है कि लिक्विड सब्सटेंस ज़्यादा हो, जिसमें छाछ हो सकता है। और सबसे अच्छा चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, लौकी का सूप। वो लौकी कच्चा नहीं होता, लौकी को पकाना पड़ता है, और टमाटो, लौकी और भी आप वेजिटेबल्स मिक्स करिए और सूप बनाइए, अच्छा पीजिए उसे, वो आपके ब्रेन तक वो एनर्जी देगा और आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। ये बताइए कि इसमें विटामिन सी के तौर पे एस्कोर्बिक एसिड, नींबू के खट्टे की बात होती है कि नींबू खाना चाहिए, तो ये नींबू कितना फ़ायदा और कितना नुकसान कर सकता है? नींबू अच्छा है, सबसे ज़्यादा तो ये बात होती है कि भाई आपके जो बॉडी है उस पर क्या सूट करता है, आपके हार्मोन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी भी फूड की तरफ। हम किसी को भी बोलते हैं फ्रूट्स खाइए, विटामिन सी रिच फूड खाइए, लेमन खाइए, तो अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो आप मत लीजिए। लेकिन विटामिन सी रिच फूड हमेशा अच्छा होता है, लेमन बहुत अच्छा होता है, लेमन को सही तरीके से लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेमन अगर हम बहुत टाइम तक अगर ले निचोड़ के छोड़ देते हैं तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर उसका कोई काम नहीं रहता और उसमें बहुत जल्दी इंसेक्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप लेमन अगर ले रहे हैं तो फ्रेश लेमन लीजिए, तुरंत पीजिए, उसे निचोड़ के बहुत देर तक रखना नहीं है। इसके अलावा जो गर्भवती माताएँ हैं उनको कोरोना, अगर कोरोना से वो संक्रमित हो गई हैं या नहीं भी हुई हैं, तो इस दौरान उनको कौन से ऐसे चीज़ें खानी चाहिए जो
उनके प्रेगनेंसी में दिक्कत भी ना करे और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ सके। जैसा कि अभी आपने पूछा महिलाओं के लिए, तो वैसे तो जो अंबिकापुर में है या जो अपने टाउन पे है, उन लोग बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन खासकर मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगी, जो कि अभी मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा कि वो अच्छा हेल्दी फूड नहीं ले सकती प्रेगनेंसी के दौरान पे। तो प्रेगनेंसी के दौरान पे जो हमें हर जगह अवेलेबल हो सके, मैं वैसे फूड्स बताना चाहती हूँ। आपके पास चना, मूँगफली, अंकुरित मूँग हमेशा अवेलेबल होता है, कहीं भी अवेलेबल होता है, इसे आप अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। दूसरा, जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हों, जैसा गांव में अधिकतर हमको मिलता है ग्वावा, बीही, अमरूद, ये सब जो भी मिलता है, जामुन, ये सब फ्रूट्स अपने आहार में शामिल करें। तीसरा, जिनके घर में दूध दही मिल सकता है, वो अपने प्रोटीन को फुलफिल करें। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? प्रोटीन हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, कि जितना हमारा बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन हमें ज़रूरी ही है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें उस दौरान पे कितना प्रोटीन लेना है। अगर आप ऐसे भी सलाह लेना चाहें तो मैं कभी भी सलाह दे दूँगी कि प्रोटीन कैसे कितना लेना है। इसके अलावा वेजिटेरियन में तो मैं आपको बताती हूँ, नॉन वेज में आप फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि जो भी नॉन वेज या वेज में आप लोग खा रहे हैं उसमें ट्रांस फैट कम हो और ऑयल की मात्रा बहुत कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा सूखा भूजा हुआ चीज़ खाएं, क्योंकि ऑयल की मात्रा ज़्यादा होता है। एक तो औरत वैसे भी सफ़र करती है प्रेगनेंसी से, उनको सांस लेने में दिक्कत होना, कुछ भी प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो उन्हें लो फैट डाइट लेना चाहिए। छोटे बच्चों को भी अब संक्रमण का खतरा दिखने लगा है, तो ऐसे छोटे बच्चे जिनको कोरोना संक्रमण हो गया है या संक्रमण से बचने के लिए, उनको कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए? छोटे बच्चों को कैसा डाइट लेना चाहिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों में डर ना फैलाएं। पहली बात, बच्चों को बहुत ज़्यादा डराया नहीं, बच्चों को प्रिकॉशन बताएं, सेफ्टी कैसा रहना है वो बताएं, क्या चल रहा है वो बताएं, लेकिन उन्हें डराएं नहीं, पहली बात, क्योंकि बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत जल्दी डरते हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम यंग से दुगना रहता है, तो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। अगर हम उसे और बढ़ा देते हैं तो उनके तक ये वायरस नहीं फैल सकता। तो पहले, सबसे पहले उनको, जैसे अभी क्या मैं बच्चों को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा वो टीवी के पास बैठे रहते हैं, दिन भर अपना टाइम टीवी पे व्यस्त रखते हैं, या फिर दिन भर सिटिंग पोजीशन में ही पढ़ाई करते रहते हैं, तो ऐसा ना कर होने दें। आप उन्हें थोड़ी देर सिटिंग पोजीशन पे रखें, 45 मिनट से ज़्यादा किसी को भी सिटिंग पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, तो उसके बाद वो खेले कूदे दौड़े, उनके लिए कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स, सीड्स बहुत अच्छे हैं, सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, उसके अलावा तो सारे प्रोटीन्स, वो बच्चों का डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों को अच्छा हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें भी अगर वैसे तो अधिकतर चीज़ हाइट वेट पे डिपेंड करती है, एज ए डाइटिशन मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर वो एक उनका हाइट वेट ठीक है तो उन्हें अच्छा कार्बोहाइड्रेट डाइट भी दें, जो कि उनके खेलने पे उनको मदद करेगा, और चना गुड़ जरूर शामिल करें उनके डाइट पे, दूध जरूर पिलाएं। ये बताइए, इसके अलावा आप क्योंकि डाइटिशियन हैं और लंबे समय से यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए भी खाना देख रही हैं, डाइट किस तरह से निर्धारित की जा रही है आपके द्वारा, अपनी तरफ से क्या कोई सलाह देना चाहेंगी कि कौन सा ऐसा विशेष परहेज लोग करें कि उनको कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग हो? ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को सेफ रहने के लिए, कि अगर मैं कहती हूँ कि आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, तो इस खुश रहने के लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी सेफ्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो हमको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व फूड नहीं लेना चाहिए, पैक्ड आइटम नहीं खाना चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ट्रांसफैट, बेकरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा ट्रांसफैट होता है जो हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट करता है, तो उसे ना लें। और इसके अलावा अपने घर के बने हुए चीज़ जो घर में ताज़ा बनते हैं उन पर ध्यान डालें, कुछ नया चीज़ करें, और अपने हॉबीज़ को बढ़ाएं और अच्छा हेल्दी फूड खाएं।
बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी डायटिशियन सुमन सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें हेल्दी और प्रोटीन युक्त चीज़ें खानी हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी सावधानी की बात है वो ये है कि पैक्ड आइटम बेकरी फूड्स से बचना है, और जितना ज़्यादा हो सके घर में बनने वाले खाने, घर में बनाकर ही किसी चीज़ को खाएं। और इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ इन्होंने बताई वो यह है कि इंसान को इस दौरान सबसे ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और इसका तरीका आपको खुद अपने घर में निकालना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप खुश रह सकते हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।